टक टक किया ना, मुझे उसकी आवाज आई है पिस्टल की, तो मेरे यकदम इतरा निकल गए। जैसी लाइट्स पड़ी है, मैंने पिस्टल देखा, मैं किस साइड पे है, यकदम ही विद इन सेकंड्स एक डिसीजन लिया, तो वो सक्सेसफुल रहा। अगर वो चीजें अपने जहन में बिठा लो, पहली चीज ये कि रात को अवॉइड करो सफर करने से, और दूसरा फिर मैंने ये कहा कि अगर बहुत मजबूरी में सफर करना है ना, तो 80-90 से मोटरसाइकिल नीचे ना देख जाओ। अच्छा, हम लोग मंगला डैम पे गए थे, यहाँ से फैसलाबाद से मंगला डैम गए हैं, तो मंगला डैम के अंदर जाते हुए तो बड़ा जबरदस्त शॉर्टकट भी चुनवाया, फिर भी ठीक था। वापसी हम लोग रात को वहां से निकले हैं, ठीक है, वन नाइट कैंपिंग करके, तो अगला दिन चले गए हम लोग किला रोहतास। भाई जी, किला रोहतास करके निकले हैं, हम तीन लोग थे, दो लोग मैं जरा बांध लेने गया हूँ, दो लोग आगे से ये निकल आए, मैं गिला ही बाइक पर आ गया। मैं ये अंदर वाले रास्तों से आए हैं, तो बाहर वाले से हो गए। मैंने कहा मैं गुजरांवाला से आऊंगा, गुजरांवाला से फिर ये शॉर्ट कर लेके शेखुपुरा, शेखुपुरा से फैसलाबाद। भाई शेखुपुरा मैं पहुंचा हूँ, गुजरांवाला जब मैं पहुंचा हूँ, तो गुजरांवाला तक बड़ा जबरदस्त हमारा माहौल रहा, यानी कि मैं चलता चंगी मोटरसाइकिल खींच के लेके आऊँ। वहां पे आगे मैंने कहा कि शेखुपुरा की तरफ जाना है तो ये डेंजरस होगा जरा, क्योंकि वो बाईपास ले रहा हूँ, वो डबल रोड थी, तो किसी ने बताया नहीं सेफ है, मैंने वो लिया, वो तो सेफ था, मैं सीधा आगे शेखुपुरा आगे उतरा हूँ। वहाँ पे आके फिर मैंने खाना खुना खाया, खाना खा के जैसे ही मैं आगे सफर किया है, फिर मैं शाहकोट आके ब्रेक लगाई, वहाँ पे से चाय पी। अब वहाँ पे बंदे बैठे होते, उन्होंने पूछा आप कहाँ से आ रहे हैं, मैंने कश्मीर से सैर करके, मुझे नहीं पता, मैं अपने मैंने वहाँ पे ट्रक ट्रुक थे, मैं अपने हिसाब से मोटरसाइकिल वहाँ से उठाई है, उसके पीछे पूरा सामान लदा हुआ था मोटरसाइकिल ऐसे, यानी कि टूर बाइक बनाई हुई थी। हाँ जी, मैंने गोड़े गोड़े सारे कुछ पहना हुआ था, जो शाहकोट के बाद फिर आता है एक खुड़िया वाला, खड़िया वाला, हाँ खुड़िया वाला, खुड़िया वाला क्लास क्रॉस किया, मेरे पीछे बाइक पे दो बंदे लगे, वो उधर से लगे होंगे, वो कहीं ना बैठ के रैकी कर रहा है। क्या टाइम था वो? रात का 2:30 बजे का टाइम था, कोई बहुत कम ट्रैफिक थी। अब वो बंदे, मैं 60-70 की स्पीड पे जा रहा हूँ, वो भाई जी दो बंदे आए हैं, लाइट ऑफ थी, शू करके बनी 125 था उनके पास, उन्होंने मेरे पास आके ना गन पकड़ी है, ये मैं बाइक पे जा रहा हूँ, वो मेरे इस साइड पे राइट साइड की तरफ आए हैं, मेरे करीब ला के ना उसने गन चैम्बर मारा है, टक टक किया ना, मुझे उसकी आवाज आई है पिस्टल की, तो मेरे यकदम इतरा निकल गए। तो मैंने अब देखा मेरे आगे आया, मेरे जब लेफ्ट हैंड पे उसके लेफ्ट इस साइड पे ना पिस्टल था, ऐसे करके मेरी लाइट फ्रंट की पड़ी, क्योंकि हैवी लाइट्स जलाई हुई थी, जैसी लाइट्स पड़ी हैं मैंने पिस्टल देखा, मैं इस साइड पे है, मैं थोड़ी सी ब्रेक लगाई है, ऐसे कट गया है, मोटरसाइकिल 150 थी, तो मैंने फुल रेस दी है, अल्लाह का शुक्र है मोटरसाइकिल के साथ दिया है, 80 और 100 पे मोटरसाइकिल, 100 पे मोटरसाइकिल, 100 पे मोटरसाइकिल गई है ना, मैंने इशारे से दरा के देखा है, थोड़ा सा डिस्टेंस पीछे से गाड़ी भी आ गई, थोड़ा सिक्योर अपने आप को फील किया है, मैं नहीं फिर रोकी आगे, फिर टोल प्लाजा आया, फिर पीछे अगर मैं मुड़ के ऐसे देखता ना तो आई कॉन्टेक्ट होना था, कहीं ना कहीं कुछ चीज ऐसी होनी थी, नहीं फायर फूल ऐसी नहीं, सबसे पहले आपको उसमो जाना था, उसमो सबसे पहले जाना था आपका, नहीं मेरे पास सारा कुछ था, वही मैं कह रहा हूं, गोप्रो गोप्रो मेरे नहीं, ये बैग के अंदर रखे हुए थे, मेरे पीछे सारा कैंपिंग का सामान था बैग से, कितनी कमालियत का होगा कोई उसके बाद राउंड अबाउट, यानी कि ड्रोन कैमरा ही सिर्फ 1.5-2 लाख तकरीबन $600 का लिया था, ये 70,000 का लिया था, यानी तुम्हारे को 4 लाख की चीज थी, मोबाइल था और पैसे थे भाई, ये ऑनलाइन चीज थी, लेकिन ये बढ़ती तो बड़ा ना दुख होता है बंदे को, यार आपका डाटा कितना इंपॉर्टेंट था, मैं 3 दिन वहां पे गुजार गया, अब मुझे बताओ कि यहां पे ये गिर जाए GoPro, अल्लाह का शुक्र है भाई, मैं फिर 100 की स्पीड पे सीधा घर तक आया हूं, घर आके ब्रेक लगाई, मैं कहीं फिर नहीं रुका, मुझे दोस्त कह रहे थे कि आप वहां पर रुकना, मैं रुकने का सीन ही नहीं था, जब रुकने का नहीं नहीं गट वाला भी बहुत वारदात, तो बेसिकली यकदम ही विद इन सेकंड्स एक डिसीजन लिया, तो वो सक्सेसफुल रहा, अगर रुक जाता तो ऐसे बदतमीजी होनी थी, बाइक भी लेके मेरे कजन 5 लाख की 150 हुई भाई, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन इस तरह की अगर हो तो, अगर तो आप उससे मैंने एक चीज अखज की है कि आप रात के टाइम अकेले हो ना, ना हो तो आपको 80 से नीचे नहीं, अव्वल तो पहले तो सबसे मेन चीज है आप स्टे कर लो, बिल्कुल मुझे ना जेलम में कजन रोकता रहा, कजन कहता रहा कि यार यहाँ पे स्टे कर लो स्टे कर लो, तो मैंने कहा नहीं यार, मैंने कहा रातों रात निकल जाऊंगा, सुबह भी सारा दिन जाया होगा, मैंने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन जब मैं वहां पे वो सीन हुआ है, तो मैंने वहां से दो चीजें मैंने अकस की,
दो चीजें अपने ज़हन में बिठा लो, पहली चीज ये कि रात को अवॉइड करो सफर करने से, और दूसरा फिर मैंने ये कहा कि अगर बहुत मजबूरी में सफर करना है ना, से नीचे ना तो 80-90 से मोटरसाइकिल नीचे ना लेके आओ, अगर 80-90 से मोटरसाइकिल नीचे लेके आए ना फिर तो आपके लिए बहुत खतरा। तो ये वाली स्टोरी फिर जारी बात में पहुंचा घर, घर नहीं बताई तो ना ही मैंने यानी कि अब ये डिस्क्लोज करता तो घर वालों ने यहाँ पे नहीं आने थे, कर्फ्यू लग गया था। तो बहरहाल ये होते रहते हैं इस तरह के मैटर्स, बस अल्लाह ताला सलामत रखे, ठीक है, ये चीजें चलती रहती, लेकिन अपनी एहतियात आप लोग लाजमी करो हर तरफ, जो भी आपने कहीं पे प्लान करना उसको सेफ वे में सारी चीजें डिसाइड करके, और अगर आप टूर के साथ बंदों के साथ जा रहे हो तो आगे पीछे एक दूसरे को देखते हुए। हम लोग क्या करते हैं, मेरी जो रूटीन है अगर दोस्तों के साथ जा रहा हूँ ना तो हम लोग मिरर्स दोनों सभी लगाते हैं, हम लोगों ने लाइटें जो एक्स्ट्रा ना वो चला के रखना, चाहे दिन भी है रात भी है लाइटें चला हाँ जी, उससे फिर क्या होता है कि उससे पता चल जाता है कि यार ये हमारी बाइक ही आ रही है, हम एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं और साइड मिरर से देखते रहते हैं कौन बंदा, जैसे डिस्टेंस जरा बढ़ता है मोटरसाइकिल कम कर लेता है कि कहीं उसका कोई बाइक कोई पंचर तो नहीं हुई, ठीक है, थोड़ी देर फिर देखना होता है। तो ये इस तरह सेफ वे में आप चल सकते हैं, नहीं ये है कि दोस्तों के साथ बंदा रिस्क ले सकता है, फैमिली के साथ रात का वो तो जारी बात है कि जिधर मर्जी होटल गंदा हो अच्छा हो रुक लेना चाहिए। हमने भी इसी तरह एक दफा जगलोट में स्टे किया था, होटल ड्राइवर आना सी लेकिन रात बहुत हो गई थी, उससे सीन एक जो है ना शॉकिंग था लेकिन बहुत सबक मौज था। तो मेरी सभी दोस्तों से यही गुजारिश है कि आप लोग ये जो मैंने आपको बताया ना ये दो सेफ्टी मेजर्स जो बताए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रात को सफर नहीं करना, अगर बहुत मजबूरी है सफर करना है बाइक पे है तो आपने एक स्पीड जो है ना मोटरसाइकिल की वो अपनी मेंटेन रखनी है, 80 प्लस जाना है भाई,